हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएसई साइट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है और आप अकाउंट ओपन करते हैं, इंस्टेंट अकाउंट ओपन नहीं होता है, बैंक मैनेजर से जाके ऑथराइज कराना होता है, तो आप उनके पासबुक को कैसे इशू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्वांचल बैंक और SBI बैंक में तुरंत अकाउंट ओपन नहीं होता है, इसमें आपको अकाउंट ओपन करने के बाद बैंक मैनेजर से ऑथराइज कराना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा दें। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने पोर्टल पे आ चुका हूँ। पासबुक इसी वाले पे आईडी कार्ड जनरेशन पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी रेफरेंस नंबर मिला होगा अकाउंट ओपनिंग के समय, आप उस अकाउंट का रेफरेंस नंबर को यहाँ डाल देंगे। जैसा कि मैं फिल करता हूँ, फिल पेज पे क्लिक करेंगे, करते हुए देख सकते हैं इनका अकाउंट नंबर क्लियर हो चुका है। आप इसको प्रिंट करके इनके पासबुक को बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए मैं एक पासबुक और आपको दिखा देता हूँ। फिर से इसी पे आएंगे, आईडी कार्ड जनरेशन पे आएंगे, फिर से आप यहाँ एक रेफरेंस नंबर डालेंगे जो भी आपके पास है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ और फिर से क्वेरी पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं, ओके करेंगे, मेरे पास राधा यादव का ये पासबुक आ चुका है। तो चलिए मैं तीसरा कर लेता हूँ। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे मित्रों, सिर्फ चंद सेकंड। कंटिन्यू करेंगे, आप देख सकते हैं शिवम इनका भी हो सकता है। आप यहाँ से प्रिंट करके इनके पासबुक को दे दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब और बटन को भी दबा दें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।